पाव भाजी भूंगड़ा छाश सलाड जे खाव आपका मेरी चैनल में। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मजे में होंगे। यहाँ बराती बहुत ही मजे में है। I got anything. और ये है बीच वाला रोड। और हम जब गए तो 5 बजे थे तो कोई नहीं था। कोई अच्छा नहीं थी। और हवा बहुत चल रही थी इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और आप देख सकते हो ये बीच की एंट्री है और बीच में इस तरह से सिटिंग एरिया दिया हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो। तो हम जो है लेफ्ट साइड जा रहे थे तो ये इसका लेफ्ट साइड का जो है भाग है। तो यहाँ इस तरह के हट बने हुए हैं आप देख सकते हो। और इतनी ग्रीनरी थी कि आप मैंने कई बार अपने व्लॉग में कहा है कि यहाँ पर ग्रीनरी उगाना बहुत ही मेहनत का काम है। पर ये लोग ने अच्छे से सब कुछ यहाँ पर मेंटेन रहता है। और आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है और नीचे की ग्रास भी वेल मेंटेन है। और यहाँ पर ये बारबेक्यू का पोर्शन दिया गया है और बहुत सारे इस तरह के बारबेक्यू है जिसको भी यहाँ पर कुकिंग वगैरह करनी हो वो यहाँ ही बनाते हैं और यहाँ ही खाते हैं। तो पूरे दिन की एक पिकनिक स्पॉट भी है, आप एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप देख सकते हो कितना अच्छा स्पेस भी है इसमें। तो क्या है कि 2-3-4 व्यक्ति भी अगर बनाते हैं खाना तो भी अच्छे से हो जाता है। और टेप वगैरह भी दूसरी ओर लगाया गया है। और आप देख सकते हो कितने सारे बीबीक्यू वाले एरिया है। और ये सब डेट्स के
ट्री है, अभी तक 150 यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखी नहीं। और ये आपको मैंने जूम करके दिखाया, वो बच्चों का प्लेइंग एरिया था, जैसे कि स्विंग हो गई, सीसो हो गया, वो सब। और ये हट्स आप देख सकते हो कितने अच्छे हो, और सब में ही टेबल चेयर वगैरह रहती है। और आप देख सकते हो कोई भी नीचे एक भी कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम ही क्लीन है, एकदम ही वेल मेंटेन है। तो हम 5 बजे गए थे तो यहाँ पर इतनी गर्मी थी 5 बजे कि आपको क्या बताऊँ। पर फिर नहाने सब चले गए और धीरे धीरे सनसेट होने लगा, तो क्या है कि मज़ा आना लगा। और क्या है, इतनी हवा चल रही थी कि कुछ मैंने वीडियो के साथ भी एक्सप्लेन किया था, पर वो सब अच्छा सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने ये सब ऊपर से वॉइस ओवर किया है। और ये हमने यहाँ पर हट रख दी थी, यहाँ पर हम बैठने वाले थे, खाने वाले थे, और भाग्य और भ्राति दोनों ही चले गए थे। तो फिर मेहुल भी चले गए नहाने के लिए, तो मैंने सोचा कि अभी कोई ज़्यादा व्यक्ति नहीं आए, तो मैंने सोचा कि पूरा ही अच्छे से बीच आपको दिखा देती हूँ। तो मैं बीच दिखाने चली गई और वो सब नहा रहे थे। और हम 3 फैमिली आई थी, तो वो 2 फैमिली जो बाद में आई थी वो भी थोड़ी देर में आने वाली थी, तो तब तक मेरे लिए टाइम था। तो मैंने आपको जो मैंने लेफ़्ट साइड का दिखाया, ये अभी राइट साइड का है। और ये अभी यहाँ पर रिनोवेशन किया गया है, पहले जो ये बीच था वो भी सुंदर था, पर फिर रिनोवेशन करके इस तरह का रेस्टोरेंट वगैरह बना दिया है। और बीच में मैंने जो घूमर जैसा पार्ट बताया सिटिंग एरिया वाला, वो बनाया है। ये आप देख सकते हो सिटिंग चेयर है, बीच चेयर, हट्स है, और दो जो है बोट रखी हुई थी वो भी अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और खाना वगैरह हम साथ में ही लाए थे, तो हमारा शाम तक रुकने का प्लानिंग था। तो अभी जो है गर्मियों की, अभी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ठंडी तो चली ही गई है, तो ये अच्छा वाला टाइम था बीच में आने के लिए। और इसको एडनोक बीच भी कहते हैं और रुवेज का भी बीच कहते हैं। तो इसको ये फ्लावर मुझे अच्छे लगे, तो मैंने इसकी थोड़ी बहुत फुटेज निकाल ली है। और क्या है कि ज़्यादातर हम इसी बीच पर आते हैं, वो अच्छा लगता है, वेल मेंटेन है, क्लीन है। और अगर धूप में भी आते हैं तो भी क्या है कि धूप लगती नहीं। और ये आप देख सकते हो इस तरह से सोफा जैसी चेयर रखी हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, ट्रेडिशनल टाइप की। तो मैंने इस तरह से उसको भी आपको दिखाया है। और ये राइट साइड का पार्ट है, वहाँ भी बारबेक्यू हट्स वगैरह है। और क्या है कि यहाँ पर छांव आती है रेस्टोरेंट की, तो थोड़ा गर्मी वगैरह कम लगता है। तो हम खाने के लिए इस साइड आ गए थे। और यहाँ से फिर मैंने रेस्टोरेंट के अंदर से भी ये आपको दिखाया है, सिटिंग एरिया है। आप देख सकते हो कितनी सारे सोफा चेयर सब कुछ रखे हुए हैं। और क्या है कि समुंदर भी इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ आपको। और अभी क्या था कि हम आए तो क्या था कि पानी थोड़ा ऊपर था, यानी कि आप बोलते हैं ना वाटर जैसा मौसम था। और जब शाम होते हुए सारा ही पानी नज़दीक आ गया था, अभी पानी थोड़ा दूर था। और इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है देखो। और ये जो है ये हमारा एंट्री वाला पॉइंट जहाँ से हम एंटर हुए थे, और मैंने आपको ये दिखाया था। तो ये इसके फ्रंट साइड का व्यू है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा है। और आप देख सकते हो रन की मिट्टी, और यहाँ पर ये 2 बोट लगी हुई है, हाई चेयर भी थी, ये सिटिंग चेयर भी थी।
और देखो कितना अच्छा व्यू है, सूरज की किरणें भी नीचे तक आ गई थी और अभी थोड़ा थोड़ा पानी हमारी ओर आ रहा था, वरना इतना पानी नहीं था, दूर था। और देख सकते हो आप, भाग्य और प्राति भी अंदर नहा रहे हैं। और प्राति थोड़ी देर ही नहाई थी, फिर उसको सेंड के साथ खेलना था मिट्टी के साथ, तो वो अपने जो भी टॉयज वगैरह है वो लाई थी, तो उसमें वो खेलने लगी। और एक कारण एक था आने का कि वीक डे चल रहे थे, तो क्या है कि ज़्यादा रश नहीं होता, तो कोई भी फैमिली नहीं थी। वैसे भी गर्मी में 5 बजे तो कौन ही आए, फिर धीरे धीरे 2-4 फैमिली आई। और क्या है कि वीक डे था तो इतने सारे लोग नहीं थे। तो आप देख सकते हो पानी कितना अच्छा है, एकदम ही क्लीन है। और ज़्यादातर जो भी बीच पर समुंदर में अलगी रहती है वो भी अच्छी थी, बहुत ही शंख वगैरह भी हमें मिले। हाय प्राति, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? आई जस्ट प्लेइंग। सो बनाओ प्राति? केक। केक बनाविस तू? શું બનાવ્યું? આટલી બધી કેક? આ બકેટમાં ભર, બકેટમાં અહીંયા નહીં થાય, પેલામાં થાય બધા પ્રાતિ રાઇટિંગ બહુ સરસ થાય છે, આમ તો નતા તારે ભાગ્ય તો જો ક્યાં છે और इस तरह से धीरे धीरे पानी नज़दीक आने लगा। हमारी फ्रेंड्स भी आ गए थे, तो इसी तरह हमने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये पूरा ही दिन, पूरा तो नहीं पर 4-5 घंटे बिताए। अच्छा लगा, बच्चों को भी मज़ा आया क्योंकि वो 15-20 दिन से घर पे ही थे, तो क्या था कि उसे कहाँ भी जाना था, तो अबू धाबी वो दुबई तो हम जा नहीं सकते, इतना छुट्टी बच्चों को थी नहीं। चश्मा लगावी थी, जे लगाओ लगावी थी। तुम बोलो कुछ राजस्थान, राजस्थानी लैंग्वेज बोलो। हाँ,
मेरी भी बन जाए शॉर्ट वीडियो। लेकिन मुझे वो राजस्थान में ऐसे प्रॉपर बोलना कुछ नहीं आता ना, तो राजस्थान नहीं, राजस्थानी गाना गा सकती हूं। तो ना खटला आवश्य ना बेन। टमाटर ज खावाना छे, टमाटर नो वधारो थई गयो छे, बीजू काई नथी। જો રમો ઓકે, પાઉંભાજી, ભૂંગળા, છાસ, સલાડ જે ખાવ હોય इसी तरह के बीच यहाँ पर होते हैं, तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।